सफल आदमी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गुण जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी सफल आदमी का जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी क्वालिटी है, दूसरा फंडामेंटल है, दूसरा प्रिंसिपल है, वो ये है कि ही डजंट नेवर इन योर लाइफ फोकस ऑन रिवॉर्ड, यू ऑलवेज फोकस ऑन द पर्सनल कंट्री ब्यूशन। इसको बात समझ में आती है कि ये जो रिवॉर्ड है ये कंट्रीब्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, ये जो रिवॉर्ड है ये कंट्रीब्यूशन का बाय प्रोडक्ट है। विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है, राइट? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम के लिए तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिल रहा है, हेलो, है ना? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसको एंडोर्समेंट मिल रही है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये ब्रांड एंबेसडर है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये सब मिल रहा है। इसको ये बात अच्छे से मालूम है कि जिस दिन मैंने कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया उस दिन रिवॉर्ड। तू फिट बहुत है यार, है ना, इसलिए तेरे को हम साइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। तू दिल्ली का लड़का है इसलिए तुझे साइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आज उसके पास 15 से 20 एंडोर्समेंट है, क्यों है जानते हैं? क्योंकि वो अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन का बाय प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोगों का ध्यान साला कंट्रीब्यूशन से हटके रिवॉर्ड पे चला जाता है और यहां से मामला गड़बड़। मैं हमेशा से एग्जाम्पल देता हूं विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का, करीब करीब 10 साल से एग्जाम्पल दे रहा हूं विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का। विनोद कांबली वाज फार बेटर प्लेयर देन सचिन रमेश तेंदुलकर। उसने आते ही दोहरे शतक मारे, आते ही उसने दो दोहरे शतक मारे। फास्टेस्ट 1000 टेस्ट रन का रिकॉर्ड आज भी विनोद कांबली के नाम है। इन जस्ट 11 मैचेस, इन जस्ट 14 इनिंग्स ही स्कोर्ड 1000 टेस्ट रन्स। और सचिन तेंदुलकर को पहला दोहरा शतक मारने के लिए बहुत सारे समय लग गया, बहुत सारे मैचेस लग गए। विनोद कांबली वाज अ फार बेटर प्लेयर देन सचिन तेंदुलकर। एक ही स्कूल से पास आउट थे, एक ही एकेडमी में खेलते थे, एक ही कोच के नीचे खेलते थे। और कांबली कहां था उस वक्त, तेंदुलकर को कोई नहीं पूछता था। आता ही जिसने दोहरा शतक मार दिया उसका तो रिवॉर्ड रिवॉर्ड बरसने लगे, रिवॉर्ड रिवॉर्ड बरसने लगे, रिवॉर्ड लगे, तो उसका ध्यान रिवॉर्ड पे लग गया। कंट्रीब्यूशन से पार्टी शुरू हो गई, कानों में बालियां पहन ली, यानी उसका ध्यान कंट्रीब्यूशन से हटा और कहां लग गया। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, किसी भी फील्ड में सफल लोग हैं, उनका ध्यान दिमाग फोकस आई कभी भी रिवॉर्ड पे नहीं रहा, उनका ध्यान रहा कंट्रीब्यूशन पे। लता मंगेशकर ने गाना गाया, उसको क्या मिला? रिवॉर्ड मिला। लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो फिल्म फेयर मिला। लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो फिर फिल्म फेयर मिला। लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो रिवॉर्ड मिला। गाना गाया, कंट्रीब्यूशन किया, अपनी फील्ड में क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया, तो उसकी एवज में क्या मिला, रिवॉर्ड। और जिस दिन वो सोची कि मेरा कंट्रीब्यूशन बंद हो जाए और दिमाग चला जाए रिवॉर्ड पे, तो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल। तो कभी भी जिंदगी में आपका फोकस, आपका खोपड़ी रिवॉर्ड पे नहीं होना चाहिए, आपका खोपड़ी कंट्रीब्यूशन।